अरे धक्का मत दो, हम खड़े हैं, धक्का नहीं दोगे, धक्का मत दो, हम खड़े हैं, धक्का खड़े हैं, ये पी के कट्टे अरे सर डीओपी रेट नहीं बढ़ाया हमने, किसानों का खून ज्यादा निकल रहा है सर, हमारे सांसद भी अमेरिकन चले गए, हमारे सांसद है, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हम भी बात कर रहे हैं, ये बात हम खड़े खड़े वोट वोट एक व्यक्ति ने दिया है, वोट एक व्यक्ति ने दिया है क्या, बहुत शांति से बात करना, ठीक ठीक ठीक, गलत प्रचारित करते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों का आंदोलन है, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्योपुर क्षेत्र 6 महीने से आंदोलित है और पूरा जो आपका समिति क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा कृषि का महत्व प्रदेश में देखा जाए तो श्योपुर जिला है, उसके नाम पे पूरा कृषि विभाग पूरा प्रशासन दम भरता है कि श्योपुर जिले से इतना कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता है, प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है, कृषि मंत्री बनाया हमारे को आज से ज्यादा उम्मीद थी, आप बोलो आप बोलो, हमारा अधिकार है, ये तो किसे है, काले बिल वापस लिए जाए, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए और आपके क्षेत्र की डीएपी में 700 रूपये बढ़ गए, जबकि क्या है कि आप सरकार क्या है कि डबल आई की बात कर रहे थे, किसानों की आई कहां से डबल होगी, आप आंदोलनों को इस तरीके से रोकते हैं, एडीएम साहब से पूछिए हमने समय मांगा, सुरेंद्र भाई से पूछिए मैंने समय मांगा, जब समय नहीं मिलता तो हमें रोड पर रोकने का आपको अधिकार है, हमने आप वोट दिया, आपने वोट दिया उस टाइम तो क्या है कि आज तक जीवन में मैंने बीजेपी का लाभ किसी को नहीं दिया, बोलने का अधिकार है, वोट दिया हमने, आपके मतदाता हमने जीवन में आज तक बीजेपी को लाभ वोट नहीं दिया, जब से जन्म लिया जब से भाई भाई को ले जाते हुए पुलिस, जीवन भर हो गया वोट देते हुए, आपको भी कहेंगे दोनों बार समाज नहीं, ये तो बात कृषि मंत्री आप हमारे सांसद हैं, आप हमारे पास ये मेरा समय नहीं, आपके पास बढ़ गए, आप जैसे रोड पे नहीं सर, हमारे को सम्मान से सुनना चाहिए था, आप अपने जिलाध्यक्ष से पूछिए, इन्होंने समय मांगा तो समय क्यों नहीं दिया, प्रशासन से पूछिए कि जब हमने फोन किया उनसे समय मांगा क्यों नहीं दिया, आप हमको दोषी बताते हो कि हम सड़क पे जो है न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस आपकी रक्षा के लिए आपके धक्केमारी करेगी, हमारे को रोकेगी, 20 साल हो गए बीजेपी के वोट देते थे तो हमारे को, हमारे किसान नेता आते हैं तो हमें बाईपास निकलवाया जाता है और आपका काफिला पूरे शहर में लॉकडाउन के दौरान में घूम रहा है, ऐसा अंतर क्यों है एक जनप्रतिनिधि का और एक जनता के साथ, बहुत सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल चाहते सर किसी को नहीं, ये गलत इल्जाम है आप सबको, हमारे सामने अगर गलत इल्जाम लगा के जाते आप लोग नहीं चाहते, हम नरेंद्र मोदी जी के उसमें व्यक्तिगत तौर पर आप भी मानते हो कि किसान के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के नरेंद्र तोमर को यहाँ पे रोका गया जिया थाने के सामने, जिया थाने पे
और मुर्दाबाद Oh, my God.